मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले मैंने कभी सॉफ्टवेयर नहीं किया था, कभी भी सॉफ्टवेयर मैंने नहीं किया। इवन यहाँ आने से पहले मैंने मोबाइल में स्क्रू तक नहीं लगा था, ना हार्डवेयर ना सॉफ्टवेयर, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे 100% नॉलेज हो चुकी है, स्पेशली सॉफ्टवेयर में। जैसा कि सिर्फ अभी हमारी सॉफ्टवेयर की 3-4 दिन की क्लास हुई है, 3-4 दिन में मुझे FRP निकालना हो, चाहे पैटर्न रीड रिसेट करना हो, जो भी हो, बेसमेंट रिपेयर करना हो, आई डू एवरीथिंग। अपने सेक्शन हुआ भी नहीं है, सेक्शन का हुआ है क्या अपना? फिर भी स्पीकर में अगर मैं बोलता हूँ तुमसे कि किसी भी फोन का नीचे की बॉटम कनेक्टर टूटा हो, वहाँ तो कर देंगे सर अच्छी तरीके। हाँ सर, B2B केबल टूटा हो, ICO के आसपास के कंपोनेंट से तुम स्पीकर बजा दोगे? ये तो यहाँ कुछ प्रैक्टिकल किया है यहाँ, बताओ। मैं मोबाइल में कुछ लाग डिफरेंट करना चाहता था, जो एडवांस लेवल का हो, वो नहीं, वो तो IC लगाने वाले वो बैठे हैं, वो नहीं, कुछ डिफरेंट जो फॉल्ट फाइंडिंग आती है वो मेरे से मोबाइल वापस ना जाए शॉप से, ऐसी ऐसा सिग्नल करते, वो कौन सा आता था वो एशिया टेलीकॉम, तो यहाँ पर आपको मिला। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है और अभी नंबर 1 बनने वाले स्टूडेंट कौन है? थैंक यू वेरी मच। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? तो दोस्तों मैं हूँ देवव्रत नगवाल, मेरे साथ में स्टूडेंट है लखनऊ से आए हुए। मैं आलोक सिंह लखनऊ से आया हूँ, एशिया टेलीकॉम नवंबर बैच का स्टूडेंट। तो दोस्तों आज क्या क्लास चल रही है? वेलकम की क्लास चल रही है आज, सॉफ्टवेयर की। आप क्या बताना चाहते हैं आज? आज बताना चाह रहे हैं कि जैसे कि हमारे पास एक फोन आया है वीवो का Y70 मॉडल नंबर है उसका, उसमें हम FRP कैसे निकालेंगे एज ए मेरिकल थंडर से कैसे निकालेंगे? मतलब आपने यहाँ पे थंडर की यहाँ पे पूरी ट्रेनिंग ली है, यहाँ पे UMD से भी निकाल देंगे इसका? जी सर बिल्कुल। चलो आपको दिखाइए, यहाँ पर FRP दिख रहा है, पहले दिखा भी दो यहाँ पर कि FRP पे है कि भी नहीं है। तो ये आप फेस अनलॉक में और पैक नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग और देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है सेटअप करने के लिए, और जैसे हम इसको वापस सेटअप करते हैं तो ये वापस बैक में आ जाता है। ये देखिए आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ा देंगे इसको, तो यहाँ पर देखिए Wi-Fi हमें सेलेक्ट करना पड़ता है, स्किप कर देते हैं यहाँ पर, तो फिर आगे बढ़ जाता है नेक्स्ट और वापस वही चीज़ आ जाएगा। देखिए स्किप कर रहे हैं यहाँ पर, फिर बैक आ गए और फिर वापस वही चीज आ गई कि आपको गूगल को साइन इन करना पड़ेगा। ठीक है, तो बताओ मुझे, तो जैसा कि हमारा इसको क्वालकॉम का CPU पता करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं, सबसे पहले मैं पता करना। नहीं, वो 3 तरीके आपको पता है? जी सर, बिल्कुल पता है। तो हम यहाँ पर बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको पता करना है तो क्या करना पड़ेगा? आना पड़ेगा आप इसमें बिना इंटरनेट के, और इंटरनेट के भी तरीके हैं कि आप इसमें ऑफलाइन। हाँ, तो मतलब ये पता करना जरूरी है कि इसमें मतलब फोन का अगर आपको FRP निकालना तो सबसे पहले उसका CPU पता करना कंपलसरी है। तो इसमें CPU लगा हुआ है Qualcomm का, तो इसमें कितने बोर्ड होते हैं फिर Qualcomm में? मोस्टली 3 मोड होते हैं। कौन कौन से होता है? एक एंड्रॉइड मोड, दूसरा होता है फ्लैश मोड, तीसरा होता है डायग्नोस्टिक मोड। एंड्रॉइड मोड में कितने मोड होते हैं? एंड्रॉइड में 2 मोड होते हैं, फास्ट बूट और एक ADL मोड। और अगर ADP पे रखना होता तो मेरे को फोन को क्या ऑफ रखना होता कि ऑन पे? ADP और फास्ट बूट में ADL के लिए फोन ऑन रखना, ऑन रखना, फास्ट बूट के लिए फोन को ऑफ रखना होता, ऑफ करना पड़ता, पर उसको रिकवरी मोड पे डालना पड़ता है, वो भी एक तरह से ऑन ही होता है। और फ्लैश मोड क्या होता है? फ्लैश मोड को फोन ऑफ करना पड़ता है, उसके लिए कौन से मोड पे? ADL मोड बोलते हैं उसको, जिसमें उसकी बूट की क्या होती है? बूट की वॉल्यूम डाउन और वॉल्यूम अप, दोनों चीज होती है। अगर वो नहीं यूज हुआ तो क्या यूज कर सकते हैं उसके लिए? सर हम अपना वो ADL केबल यूज। हाँ, फिर कई मोबाइल में हम टेस्ट पॉइंट भी होते हैं। ठीक है, अच्छा, और तीसरा बोर्ड कौन सा हो गया? डायग्नोस्टिक मोड होता है, मोस्टली नेटवर्क रिपेयर, नेटवर्क जो कि आपने यहाँ पे देखा भी है, अपने रिपेयर भी किया हुआ है डायग्नोस्टिक। चलो ठीक है, आज अपन कौन सा मोड यूज कर रहे हैं अभी? आज सर हम अभी फ्लैश मोड यूज कर, फ्लैश मोड यूज कर रहे हैं। कौन सा अपन टूल यूज कर रहे हैं? चलिए ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा Qualcomm पे, क्लिक करना है Qualcomm के बाद एक्स्ट्रा पे जाएंगे हम, उधर आ जा और उधर खड़े हो जा, और सबसे पहले यहाँ पे हम चेक अपना ब्रांड करेंगे, सिलेक्ट करेंगे जो भी ब्रांड है यहाँ पे, जैसे कि मेरा का वीवो है तो हमें यहाँ पे वीवो सिलेक्ट करना होगा। ऊपर जैसा कि हमें पहले यहाँ पे अपना ब्रांड सेलेक्ट करना है, वीवो कर लिया, और पोर्ट हमारा ऑलरेडी स्टैंडर्ड मॉडल में लग रही है, तो हमें मोस्टली ऑटो मोड पे पहले रखना है, तो पोर्ट को तो हमको वहां पर रखना है ADL मोड पर। यस सर। हाँ, फिर से बोल दो, पोर्ट फिर से बोल दो, हमें यहाँ पर ADL मोड में रखना है। ठीक है, यहाँ पे दिखाओ ADL मोड पे करो आप पोर्ट, दो तुम ही करो, तो यहाँ पे दोस्तों मेरे साथ एक और स्टूडेंट है पंजाब से आया है, तो वो ADL मोड पे करेंगे फोन को। बताओ किस तरह से? पहले सर हम इसको पावर ऑफ करेंगे, क्या ओपन कर लिया है आपने?
जी सर, हमने डिवाइस मैनेजर ओपन कर लिया, चेक देख सकेंगे उसमें हमारा फोन कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, हमने वॉल्यूम अप और डाउन दोनों की प्रेस कर लिया और केबल लगा दे। यहाँ पे कहाँ दिखा रहे हो, मतलब डंडे से दिखा दो, पोर्ट दिखाओ, स्टिक से दिखाओ। ये क्वालकॉम का ईडीएल मोड बन गया है। अब बताओ कहाँ करना है, क्या करना है। फिर से मेरिकल थंडर अपना ओपन करना है। चलिए दिखाइए। फिर उसके बाद हमने जैसे कि अपना मॉडल ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है, इसको पहले हम ऑटो मोड में रखेंगे। अगर इन केस हमारा कोई एरर आता है तो उसको फिर हम एज ए ब्रांड वाइज भी सिलेक्ट कर सकते। तो जैसे ब्रांड भी दिखा दो, वहां पर मॉडल में जाके ब्रांड दिखा दो, जैसे कि वाई कटर। ये भी चेक कर लेना है कि वाई कटर है कि भी नहीं है। इसको हम यहां से अपना मॉडल नंबर भी ले सकते हैं, बट मोस्टली हमें ऑटो मोड में ही रखना है पहले। ये आ गया। अब इसके बाद कहाँ क्लिक करना है। अब इसके बाद हमें रिमूव अकाउंट लॉक अदर्स हो, अगर हमारा यहाँ पे डिवाइस शो कर रहा है, अगर हमें यहाँ पे वीवो शो कर रहा होता तो देखो कहाँ शो कर रहा है, कर रहा है अभी यहाँ पे, जैसे कि शो कर रहा है तो इसके लिए वीवो ही सिलेक्ट। वेरी गुड, दोनों चीज बता दी। अगर यहाँ पे हमारा नहीं शो कर रहा है, लाइक जैसे यहाँ पे मोटो नहीं शो कर रहा है या कोई भी अदर डिवाइसेस है, तो उसके लिए अदर डिवाइसेस में रिमूव अकाउंट लॉक अदर। अब कहाँ पे क्लिक करना है। अब इसके बाद स्टार्ट बटन दबा देना है। तो देखिए यहाँ पर MSM आ गया है, बूट लोड कर दिया, पर बूट एरर आईडी दे दी है। इसका मतलब हमको ऑटो मोड को हटाना पड़ेगा, इसका मॉडल नंबर लेगा। फिर वापस एक बार बूट कराइए फोन को। मतलब आप देखिए दोस्तों, तो मतलब हमने पहले और जैसे कि इन्होंने समझाया है कि ऑटो आपको करना है, उसके बाद नहीं हुआ तो फिर ऑटो हटाना है और यहाँ पे आपको मॉडल नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बूट एरर आईडी आई है यहाँ पर, बूट लोड एरर आईडी। तो इस फोन को आपको फिर से बंद चालू करना पड़ेगा। तो इसको हम फिर से एक क्यूडी ईडीएल बोर्ड पे लेके आएंगे। क्यूडी लोडर 9008 फ्लैश मोड होता है जो इन्होंने बताया। फ्लैश मोड का ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना आते हैं, सारे ड्राइवर इंस्टॉल करना आते हैं ना। और जैसे कि मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि आप मे भी हार्डवेयर में थोड़ा बहुत ऐसे बिना किसी इंस्टूट गए सीख सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर अगर आप सही फाइल नहीं चढ़ाएंगे तो उसके लिए आप सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते हो। तो मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग को इंस्टीट्यूट जरूर जाए से पहले, और आई थिंक मेरे हिसाब से तो एशिया टेलीकॉम इज द बेस्ट। तो देखिए हम फिर से ईडीएल मोड पे ले जा रहे हैं फोन को, वॉल्यूम अप एंड डाउन केबल के साथ लगाकर। चलो आ गया। अब बताओ फिर से क्या करना है, जो हमने पहले चीज की थी एक बार और फिर से टेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि पहले हमने ऑटो मोड में इसको रखा था, उसके बाद हमारा एरर आ गया था, वो नहीं ले रहा था। उसके बाद हम इसको ब्रांड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ऑटो को अनटिक कर देंगे, यहाँ से अपना ब्रांड सेलेक्ट करेंगे। हाँ, ब्रांड सेलेक्ट करो ना, बट मॉडल हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे मॉडल नंबर अपना सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमारा फोन है उसका नंबर है Y70। अब फिर हमारा जैसे कि ऑलरेडी सिलेक्ट ही है वीवो अकाउंट अनलॉक, तो यहाँ पे हम सीधे बस स्टार्ट बटन को प्रेस कर देना है। तो देखिए इस बार डक दिखा दिया, तो इस बार आगे फॉर्मेटिंग कर देगा। ये देखिए फॉर्मेट कर दिया है, यहाँ पर फॉर्मेट आईडी और पर प्लीज प्रेस द बूट एंड अप की, एंटर द रिकवरी मोड एंड क्लियर डाटा। तो वो कह रहा है कि आप अपना डाटा को क्लियर कर लो। तो देखिए यहाँ पे हमने इसका FRP तो निकाल दिया है। अब यहाँ पे होता है इफ द फोन हैंग लोगो, अगर तब बता रहा है वो कंडीशन पर हो, अगर फोन हैंग हो जाए तो। एक बार हम ओपन करके चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप बहुत सारे टेक्नीशियन कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि लोगो पर हैंग हो गया है तो फ्लैशिंग कर देते हैं। फ्लैशिंग कभी मत कीजिए, पहले तो एक बार हार्ड रिसेट करके देखिए। अगर आप हार्ड रिसेट कर देंगे तो भी आपका फोन चालू हो जाएगा। तो हो गया ना, लोगो पर नहीं आया। नहीं सर, ये पहली बात और टाइम ऐसा करो, ऊपर तुम भी इधर आ जाओ। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी ये थोड़ा फर्स्ट टाइम बूट लेने में थोड़ा टाइम लेता है, वीवो पांच मिनट लेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा फोन लोगों पे हैंग नहीं हुआ, पर देखते हैं कि FRP गया है कि नहीं गया है, क्योंकि अगर नहीं गया तो हम फिर UMT से निकालेंगे मेरे भाई।
राजेश मेरा वो उससे वो निकालना जरा चार्जर होगा तो नहीं है तो एफआरपी हमारा यहाँ पे नहीं गया तो मतलब हमारा मेडिकल ने यहाँ पे काम अब हम कौन सा लगा लें यूएमडी तो चलिए आपके सामने दोनों चीज का यहाँ पर हो जा रहा है यूएमडी लगा के भी चेक करें ये नहीं होगा सी टाइप का केवल तो यहाँ पर हमें कहाँ क्लिक करना है अब हमने क्या लगा लिया है अब हमने ईएमटी जैसा कि ओपन किया है और यहाँ पे हमें रीड एंड टूल्स पे जाना है उसके बाद रिसेट एफआरपी पे जाना है हाँ रिसेट एफआरपी पे जाना है जबकि यहाँ पे वीवो एफआरपी भी दिया हुआ है फिर भी हम एक बार रिसेट एफआरपी करेंगे ऊपर जाके आप ब्रांड भी चुन सकते हैं वैसे एक बार चुन लो अगर चुनना है तो ब्रांड चुन लो वहां पर वीवो फिर यहाँ पे वाई कट्टर और दोस्तों मैं बता रहा हूँ हमारे स्टूडेंट ने वीवो एफ एस एफ आर पी पे क्लिक किया था तो फोन उनका लोगो पर अटक गया था फोन तो यहाँ पे देखिए हमने क्लिक कर दिया है और हम इसको ईडल मोड पे कनेक्ट कर रहे हैं अगर ये फेल हो जाता है तो उसको नहीं फेल नहीं हुआ यहाँ पर हो जाता तो इसको पहले करेक्ट करते हो उसके बाद में क्लिक करते तो अगर इससे हो गया तो ये समझ में आता है कि दोनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है देखो यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन 8.0 है साथ ही एफआरपी रीसेटिंग एफआरपी लॉक यहाँ पे डन दिखा दिया और यहाँ पे फोन रिबूट किया है मतलब हो सकता है कि यहाँ पर हमारा फोन हट गया एफआरपी दिखाओ सामने पकड़ो जैसा कि अभी बूट ले रहा है इसमें थोड़ा टाइम लेता है फर्स्ट टाइम में लगा तो ये पूरा काम आपके सामने है मेडिकल का भी और यूएमडी का भी ये नहीं है कि मेडिकल खराब है मेडिकल यहां पे भी अच्छा है और अगर इससे भी नहीं हुआ तो फिर देखेंगे कि क्या कर सकते हैं हम इनके लिए तालियां बजा दो यार तो इस वीडियो से आपको क्या समझ में आता है आप ही लोग बताओ एजेंट बोल सकते हो क्या समझ में आता है इस वीडियो से दोनों का होना जरूरी है मेडिकल और यूएमटी एजेंट बोल दो कोई खड़े होके बता दो क्या समझ में आता है नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन एसीए टेलीकॉम अरे थैंक यू वेरी मच मैं इस वीडियो से यह समझ में आता है कि दोनों का होना जरूरी है कि यहाँ पर आपने देखा कि हमने इसका एफआरपी निकाला तो चलिए दोस्तों इसी तरह से हमारे स्टूडेंट जो कि ने साहस दिखाया यहाँ पर आने का बहुत कम लोग होते हैं सामने आकर प्रेजेंट करना क्यों भाई एग्जाम पे है ना इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इससे पहले मैंने कभी सॉफ्टवेयर नहीं किया था कभी भी सॉफ्टवेयर मैंने नहीं किया इवन यहाँ आने से पहले मैंने मोबाइल में स्क्रू तक नहीं लगा था ना हार्डवेयर ना सॉफ्टवेयर लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे 100% नॉलेज हो चुकी है स्पेशली सॉफ्टवेयर में जैसा कि सिर्फ अभी हमारी सॉफ्टवेयर की 3-4 दिन की क्लास हुई है 3-4 दिन में मुझे एफआरपी निकालना हो चाहे पैटर्न रीड रिसेट करना हो जो भी हो बेसमेंट रिपेयर करना हो आई डू एवरीथिंग चलिए ठीक है थैंक यू वेरी मच जुड़े रहे इसी तरह और चिल्लाते रहे एक बात की इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है थैंक यू वेरी मच दोस्तों नमस्कार दोस्तों मेरा नाम देवव्रत नगरवाल है आई होप आप मुझे जानते होंगे नहीं जानते हैं तो आप मेरा नाम गूगल में सर्च कर सकते हैं आप लिखिए देवव्रत नगरवाल स्पेलिंग आपको यहाँ पर शो हो रही होगी आप लिखिए गूगल में देवव्रत नगरवाल आप लिखिए प्ले स्टोर में आप प्ले स्टोर में मुझे सर्च कर सकते हैं आप मुझे गूगल में सर्च कर सकते हैं आप मुझे यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं दोस्तों आप मुझे कहीं भी सर्च करेंगे आपको मेरे नाम के जुड़े हुए सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जैसे कि मेरी आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा जो कि एक पहला है एशिया टेलीकॉम दूसरा आपको मिल जाएगा स्मार्ट डेवलपर जिसमें मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ एशिया टेलीकॉम में मैं डालता हूँ मोबाइल रिपेयरिंग के हमारे इंस्टीट्यूट के वीडियो तीसरा अगर आप मुझे प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो आपको एंड्रॉयड एप्स मिल जाएंगे और अगर आप गूगल में मुझे सर्च करेंगे तो आपको मेरी वेबसाइट मिल जाएगी मेरे काफ़ी ब्लॉग्स मिल जाएंगे और आपको मिल जाएंगे मोबाइल रिपेयरिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ तो दोस्तों अगर आपको मुझे करीब से जानना है तो मेरा नाम सर्च कीजिए थैंक यू वेरी मच मित्रांनो आज सरांची नवीन बुक जे आहे ऍडव्हान्स मोबाईल चिप लेवल रिपेअरिंग सीखे हे 10 तारखेला लॉन्च झालेलं आहे हे तुम्हाला घ्यायचं असेल तर हे तुम्हाला ऑनलाईन भेटेल या व्हिडिओच्या खाली तुम्हाला एक लिंक दिलेली आहे त्या लिंकला क्लिक करा
आज तुम्हारा है तो तुम परचेज सही है। अच्छा यह बुक मैं तुम्हारा जो है तो पूर्ण डिटेल जो तुम्हें काम करता है क्यों नहीं करता है कंपोनेंट लेवल। हमारे ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एशिया टेलीकॉम सर्च करें, एशिया टेलीकॉम लिखें और एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग एप्स जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफ़ी एप्स हैं जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफ़ी एप्स आपको मिल जाएंगी। इसको इन एप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। An ISO 9001 and 2008 certified institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. Yeah.